हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी संस्कृति खुद कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजी ट्रिक से। ठीक है गाइस, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि आप अपनी संस्कृति को बेसिक से कैसे स्टार्ट करते हैं। यदि आपकी बहुत ही गंदी संस्कृति है तो आज आप सीख जाएंगे, बट आपको वीडियो को पूरा वॉच करना, लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपकी संस्कृति खराब हो जाएगी। और गाइस, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी संस्कृति अपने हाथों से ठीक कर लोगे। गाइस, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ घंटी रहती है उसे ऑल पे सेट कर दो गाइस। तो गाइस, संस्कृति का सबसे फर्स्ट रूल जो होता है वो क्या रहता है, कंट्रोल करना। तो संस्कृति सबकी अलग अलग रहती है, बट उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले मैं आपको बताऊँ संस्कृति कंट्रोल कैसे करते हैं। यदि आप नॉन जारो प्लेयर तो आप अपनी फिंगर से कंट्रोल कर सकते हैं संस्कृति को। यदि आप जारो प्लेयर हैं तो फ़ोन को थोड़ा हल्का सा डाउन करते 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 उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी आपकी फ़ोन की मूवमेंट रहेगी उसी तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्प्रे को। जैसे कि मैं शो कर रहा हूँ, देखिए भाई, मैं यहाँ पे आपको बिना कंट्रोल स्कैन में जारो प्लेयर हूँ, यहाँ पर मैं आपको गाड़ी पर स्प्रे मारूँगा बिना स्क्रीन को नीचे किए, यानी कि कोई भी सपोर्ट नहीं लूँगा बिना कंट्रोल किए। तो देखिए स्प्रे कैसे जाता है मेरा, देखिए ऊपर की तरफ भग रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारी सेंसी रहती है, ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखिए मैं कंट्रोल करूँगा स्प्रे को अपने फोन को नीचे डाउन करके, तो ऐसे में मैंने डाउन करके नीचे देख दिया और देखिए सटी बिल्कुल कार में स्प्रे पड़ रहा है। ठीक है, एक हम से स्प्रे मार रहे, कोई आसान तो बात है नहीं। तो इसी को बोलते हैं कंट्रोल करना। आप अब ये चाहते हैं कि आपकी सेंसर खुद ही काम कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब गाइस बात करते हैं, ये तो आपकी कंट्रोल की बात होगी, कंट्रोल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी खुद से। तो या अपनी जारो प्लेयर है तो आप फोन को नीचे डाउन करके कर सकते हैं, या अपने नॉन जारो प्लेयर है तो उसको अपनी उंगलियों से फिंगर से नीचे डाउन करते करते उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं जो जारो प्लेयर है उनकी सेंसिंग के बारे में। आपको अपनी एक बार सेंसिंग कर देता हूँ, तो अगर देखिए मेरी सेंसिंग इस तरीके से देखने वाली। ठीक है जी, मेरी बेसिक है, काफ़ी अच्छी सेंसिंग है, इसे नॉर्मल प्लेयर यूज करते हैं वही मेरे पास है। तो इसे आप यदि हाई करना चाहते हैं या लो करना चाहते हैं तो यही मैं बताऊँगा, बट वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करनी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए, ये मेरी सेंसिंग आपने देख ली होगी, इसे आप कॉपी कर सकते हैं। ये आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा करना पड़ता है, आप खुद से दे सकते हैं कैसे सेट करना। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा गन यूज होती है वो होती है M4, और उस पर यूज होता है 6x, तो उसको हम छोटा कर लेते हैं पहले। तो मेरे पास देखिए ये ग्रिप है, मेरे पास देखिए एक फेस हाइडर है। ठीक है, तो ये मैंने ये ग्रिप ले ली है, वर्टिकल 4 ग्रिप, और मेरे पास मैगजीन और स्टॉक इसका मेन काम करता है। स्टॉक जो रहता है हमारे कंधे पर सेट हो जाता है, तो मैं आपको स्टॉक दे देता हूँ। एक बार देखिए कंधे पर सेट हो गया हमारा, ये स्टॉक रहता है, इससे हमारी गन को कंट्रोल करने में आसानी रहती है। और वर्टिकल ग्रिप जो आपने आगे वाले हाथ पे देखिए वो पकड़े हुए वर्टिकल ग्रिप है। देखिए एक बार वर्टिकल ग्रिप हटा देता हूँ, देखिए कैसे दिखता हमारी M4। अब देखिएगा वर्टिकल ग्रिप नहीं है तो देखिए M4 उसने कैसे पकड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं स्टॉक हटा देता हूँ, तो देखिए अब देखिए स्टॉक हटाने के बाद देखिए। ठीक है, तो स्टॉक भी इसका मेन काम करता है, तो वर्टिकल और स्टॉक मेन काम करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अब गाइस स्प्रे देते देखिए, हम इसका स्प्रे देंगे आपको, देखिए दो आपको पोजीशन में स्प्रे देने पड़ते हैं। यदि गाइस आपको बंदा स्पॉट हो गया, उसने आपको स्पॉट नहीं कर पाया, तो आप आराम से तसल्ली से लेट के उस तरीके आप इसको स्प्रे दे सकते हैं, उसका परफेक्ट फॉलने वाला। ठीक है, यदि ऐसी बात है कि आपको वो मतलब आपने भी उसको स्पॉट कर लिया, उसने भी आपको स्पॉट कर लिया, तो आप उसको बैठ के स्प्रे दे सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादातर कनेक्ट गोली मिलेगी। देखिए हम बैठ के स्प्रे देते हैं, देखिए उसमें ज़्यादातर कनेक्ट हो रही है वो। ठीक है, इस तरीके से आप स्प्रे दे सकते हैं। ठीक, ये तो आई पोजीशन की बात होगी। ठीक है, अब मैं सेंसी की मेन बात करता हूँ, आप सेंसी कितनी रख सकते हैं। देखिए जी, आपको देखिए स्कोप ज़्यादा भग रहा है, देखिए आज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बिना कंट्रोल किए, तो सॉरी कंट्रोल किए यहाँ पे दे रहा हूँ स्प्रे, ज़्यादातर मेरा कंट्रोल देखने मिल रहा है। ठीक है जी, आप यहाँ से ज़्यादा कम करते हैं, जल्दी से आते हैं सेंसिटिव पर, जो अपना 3x रहता है उसको कम ज़्यादा करते हैं। देखिए हमारे 180 है, भी नोटिस कर लेना, इसको मैं यदि कर लेते हैं 230, तो देखिए कितना भागेगा उसको। जैसे उसको मूवमेंट करते हो तो नेक फोन यहाँ पर बहुत हिल जाता है, देखिए आज थोड़ी सी आपकी फिंगर भी टेढ़ी होगी तो ये इधर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। सेंसिंग का यही मतलब होता है, जब स्प्रे देंगे उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, जितना आप कम कर दें तो उतनी उसकी मूवमेंट उतनी स्लो हो जाएगी। आपको फिर से इसको जीरो कर देता हूँ, तो हमने जीरो कर दिया, देखिए अब यहाँ पर मेरा जो है बिल्कुल अटक गया इसको, अब बिल्कुल हिल नहीं जाएगा, इधर उधर हो ही नहीं जाए। यदि आपका बंदा मूवमेंट करेगा तो आप यहाँ से जारों से उसको नहीं ला सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर जाके उसको इतना कर दीजिए कि आप उसको कंट्रोल कर पाएँ अच्छी तरीके से। हमारा 180 था, 180 कर लेते हैं, जो भी स्कोप रहता है उसको आगे पीछे करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेंसी वेंसी कुछ नहीं होती, वो आगे पीछे करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए हमने 180 कर लिया, हम इसको आगे पीछे आराम से मूवमेंट कर सकते हैं, ये होती है सेंसी। बस जो परसेंटेज दिखाई देता है हमारा, ये इसी का मतलब यही होता है बस। और जो बात कंट्रोल करने की रहती है सेंसी की, हमारा 30 की स्प्रे पड़ रहा है, तो वो आ जाती है सब कंट्रोल की। देखिए हमने कंट्रोल इस तरीके से कर पाया। ठीक है,
अब इसको लेफ्ट साइड से बंदा हमारा भग रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, चार बंदे खड़े हुए हैं, ये हमने पहले से दूसरे को तीसरे को दिया, चौथे को दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेंसिटिव बोल सकते हैं, यानी कि आगे पीछे ले जाना स्कोप को। और अगर जब बात करते हैं कि आप ए के एम पे चला रहे हैं, ए के एम आप थ्री एक्स चला लेते हैं इसे हम, ठीक है। देखिए स्प्रे ए के एम पे, तो ये काफ़ी अच्छा स्प्रे चल रहा है, ठीक है। बस आप कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको सेंसिटिव दिखाई है, बेसिक से आगे अपनी सेंसिटिव को ठीक कर सकते हैं, जो भी उसको आपको आगे पीछे करना हो उसी पर कर सकते हैं। यदि हम फोरेस्ट पे फोरेस्ट ला लेते हैं, फोर पे एक बार देखिए फोरेस्ट का स्प्रे देख लेते हैं एक बार, ये भी काफ़ी ठीक पड़ रहा है, ठीक है। इसमें आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैं उसको ज़्यादा इधर हिल रहा है तो उसको और कम कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। 170 कर लेते हैं इसको, 170 कर लिए, अब देखिए कितना भगता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी सेंसिटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जो आपको बातें बताई उनको नोटिस कर लेना, आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। आप ये कहेंगे कि बाकी में वास्तव में सेंसिटिव ठीक हो चुकी है, जिसकी आप जौन सा आप जो भी आप इसको यूज करते हैं उसी को आपको छेड़ना और किसी को छेड़ना नहीं है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि कंट्रोल में एम स्विच ऑन कर लो, ये ऑन कर लो, वो ऑन कर लो, इससे कुछ नहीं होता। और रेड वोडर देखिए सटीक चल रहा है, रेड वोडर आप सेंसिटिव दे सकते हैं, रेड वोडर 270 और 70 कर लेते हैं, ठीक है। 73 से 70 कर लेते हैं, तो देखिए इस तरीके से आप रेड वोडर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी ये परसेंटेज हमारा रहता है स्कोप का हिलना डुलना रोकना, ठीक है। तो इसी तरीके आप सेंसिटिव अपनी सेट कर सकते हैं खुद से, किसी को आपकी कोई मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर इस वीडियो को पूरी वॉच कर लोगे तो खुद से सेंसिटिव बनाना सीख जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ जो घंटी रहती है ऑल पे सेट जरूर करके जाना होगा। जो मेरी शॉर्ट्स आप देखते रहते हो, शॉर्ट्स में आपको देखने मिल जाता है हमारा सेंसिटिव कैसे चलती है, हमारे इस पर कैसे आते हैं। तो आज मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइज, बाय बाय।